शरीर स्वस्थ है क्योंकि शरीर में प्रचुर मात्रा में ब्लड है। अगर यही ब्लड की कमी हो जाता है तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है और हम एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे 6 ऐसे फूड के बारे में जो एनीमिया को दूर करता है व ब्लड को बढ़ाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है चुकंदर। खून की कमी को दूर करने के लिए चुकंदर का सेवन अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन B1, B2, B6 जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि ब्लड को बढ़ाने के लिए मदद करता है। वह साथ ही साथ आप अनार व चुकंदर का जूस भी ले सकते हैं। दूसरा है अनार। शरीर में खून की कमी को पूरा करने में अनार अहम भूमिका निभाता। अनार खाने में तो अच्छा होता ही साथ साथ ब्लड को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, तांबा, लोहा, सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि ब्लड को इंक्रीज करने होता। तीसरा है सेव। सेव की मदद से खून की कमी को दूर होता है। सेव की मदद से हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जाता है, इसलिए सेव का अवश्य सेवन करना चाहिए खून की कमी वाले व्यक्ति। वह चौथा है अंगूर। शरीर में खून की कमी को दूर करने में अंगूर बहुत ही मदद करता है। अंगूर में विटामिन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। पांचवा है पालक। खून को बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी है पालक। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि खून को इंक्रीज करता है। छठवां है टमाटर। टमाटर में विटामिन सी की मात्रा पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। अब बात करते हैं ब्लड की कमी को कैसे जाने। ब्लड की कमी को जानने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा जो कि है CBC टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसकी मदद से आप शरीर के हर ब्लड की कमी और अन्य किसी भी समस्या के बारे में आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उसके बाद इन फ्रूट को अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल ला सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मन में किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।